बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आज मैं अली मोहम्मद की रिहाई पे मुझे खुशी इसलिए है कि एक तो ये साबित हो गया कि बेकसूर था। इसको तकरीबन 80 दिन अली मोहम्मद को इन्होंने जेल में रखा, उसके बावजूद ये साबित हो गया कि कोई इनके पास एविडेंस नहीं थी अली मोहम्मद को कि वो किसी किस्म के तशद्दुद में वो शरीक हुआ। और यही केस शहरयार अफरीदी का है, वो भी उसको भी बेल मिल गई है, वो भी एचक्यू केस जो हेडक्वार्टर्स का था उसमें से भी वो इनके पास कोई एविडेंस नहीं थी। 9 मई को जो मुझे कोशिश की थी, 30 मेरे ऊपर दहशतगर्दी के केसेस किए जब मैं जेल में था, जुल्म भी मेरे से होता है, गैर कानूनी आइनी तौर पे मुझे वहाँ जिस तरह पकड़ के लेके जाते हैं मुजरमों की तरह, और उसके बाद जब मैं जेल में होता हूँ तो मेरे पे केसेस हो जाते हैं कि मेरी वजह से ये जो जलाओ घिरा हुआ, और उसमें भी मुझे एक मैं सलाम करता हूँ जज साहब को, क्योंकि मुझे पता है किस तरह का प्रेशर है इस वक्त हमारी अदलिया के ऊपर। मैं सलाम करता हूँ इसलिए कि आजकल के ज़माने में हक और सच पे खड़ा होना आसान नहीं है। वीगो डाला पहुंच जाता है घर, लोगों के घरों के अंदर घुस जाते हैं, उनको जलील करते हैं, उनकी बिजनेसेस बंद कर देते हैं। तो इसलिए, और हर किसी को, ये सिर्फ हम अपने लोगों की बात नहीं कर रहे, जो इस जुल्म के निज़ाम का हिस्सा नहीं बनता और इसके खिलाफ हक की आवाज़ बुलंद करता है, उसको वो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जो पाकिस्तान की तारीख में किसी डिक्टेटरशिप में नहीं करना पड़ा। तो मैं इसलिए जज साहब को भी सलाम करता हूं, और मैं आज ख़ास तौर पे अपने वो लोग जो सब कुछ बर्दाश्त कर चुके हैं, अली मोहम्मद, वालदा बीमार, उनको डायबिटीज़ हैं, अकेले लड़के हैं, उसके बावजूद पूरी कोशिश की इन्होंने उसको तोड़ने की कि किसी तरह वादा माफ गवाह बन जाओ इमरान खान के ख़िलाफ़, फिर अगर वो नहीं बनना तो चलो पार्टी छोड़ दो कि हम अब 9 मई की मजम्मत करते हैं, हम अपनी फ़ौज से प्यार करते हैं और हम पीटीआई छोड़ रहे हैं। तो सारे फ़ौज से प्यार करते हैं, सारे जो 9 मई को जो जलाई गई थी जगह, हमने सब ने उसकी मजम्मत की है, लेकिन पीटीआई छोड़ देते हैं। ये खड़े हो गए कि हम पीटीआई नहीं छोड़ते, और इनको बड़ी बुरी हालात के अंदर रखा गया। शहरयार अफरीदी, उनके फैमिली में भाई उनके फौत हुए, उधर नहीं जाने दिया, जेल में रखा, और जिस तरह उसके ऊपर तोड़ने की कोशिश की गई, उनकी बीवी को पकड़ा, फिर एक दफ़ा और पकड़ने की कोशिश की, बीवी बच्चों के साथ थी। तो मैं इनको ख़ास तौर पर सलाम करता हूँ। और एजाज चौधरी इस वक्त वो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, 70 साल उनकी उम्र है, उनका वज़न कम हो चुका है, वो भी टूट नहीं रहे। मियां महमूद रशीद, हार्ट कंडीशन है, उनको चेस्ट पेन्स हुई, अस्पताल गए, उसके बावजूद वो खड़े हैं। डॉक्टर यास्मीन, कैंसर की सर्वाइवर हैं, उम्र उनकी तकरीबन 75 साल है, वो उस वक्त की वो बैठी हुई है, और उनको क्या इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाओ कि इमरान खान ने कहा था जाके जला दो। जिस तरह 3-4 बच्चों को पकड़ा उन्होंने, उनको कहा जी इमरान खान ने कहा था कि कोर कमांडर घर भी जलाना है और फिर वो कोई कागजात है वो भी जलाने हैं। यानी लोगों को ये बिल्कुल समझते हैं कि भेड़ बकरियां, कोई अकल ही नहीं है आवाम में कि वो इमरान खान कहेगा जी कोर कमांडर के घर में कोई कागजात पड़े हैं जो जलवाना है, और उनसे ये 164 का बयान लिया। तो यही कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर यास्मीन से, वो भी खड़ी हुई हैं। लेकिन जो मैं सबसे ज़्यादा, उमर चीमा, जिस तरह का उनको पर तशद्दुद किया गया, उनकी बीवी गई कोर्ट हेयरिंग के ऊपर, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया, वो भी कैंसर सर्वाइवर हैं। यानी औरतों के ऊपर कौन करता है, लेकिन औरतों के ऊपर मैं ख़ास बात करना चाहता हूँ। डॉक्टर जरका ने एक इनका एक रंगबाज है, जिसको मैं पॉलिटिशियन भी नहीं कहता,
जो जब डिफेंस मिनिस्टर था और फॉरेन मिनिस्टर था, दुबई से तनख्वाह ले रहा था। ये कभी सुना है कि दुबई की कंपनी से एक मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर तनख्वाह ले? और उसके बाद वो बच भी जाता है, उसको कुछ होता भी नहीं है, और वो क्योंकि ताकतवर हलकों में उसके दोस्तियां थी। जब वो इलेक्शन हार रहा था 2018 में, तो एक टेलीफोन किया, बाजवा साहब मुझे बचा लो, मैं हार रहा हूँ। और बाजवा साहब सुपर किंग ने कहा, फिक्र ना करो तुम जीत जाओगे, और अगले दिन वो जीत जाता है। तो वो जिस तरह हमेशा औरतों के खिलाफ ज़बान इस्तेमाल करता है, उसने फिर से की। डॉक्टर जरका ने, सेनेटर डॉक्टर जरका ने जवाब दिया, उनकी दो क्लिनिक्स वो बंद कर दी। यानी इस सतह पे कौन करता है? हमारी डॉक्टर सीमा एमपीए कराची की, उनके घर पहुंच के उनकी क्लिनिक उसको बंद कर दिया। हमारी सिमाबिया एक्स एमपी, उसके घर के ऊपर पुलिस पहुंच गई। यानी ये कभी हुआ है क्या? ये कोई दहशतगर्द हैं, ये कोई किसी इंतशार में है, ये इन्होंने किया क्या है? तो ऐसे है कि आप तहरीक इंसाफ के आप कोई मेंबर ही हो, सपोर्टर ही हो, यही काफ़ी है। आपकी बिजनेस भी बंद हो जाएगी, आपको जेलों में भी डाल देंगे, झूठे पर्चे भी हो जाएंगे। यानी सिर्फ आप, कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि आपने कोई जुर्म करना है। इस मुल्क में आप जुर्म हो गया है तहरीक इंसाफ के का मेंबर होना, सपोर्टर होना। कोई अगर बिजनेस वाला भी कोई सपोर्ट करता है, उसके पीछे भी पड़ जाते हैं। आप ये सोचें कि शौकत खानम, अब शौकत खानम सारी कौम जानती है कि मुल्क का सबसे बड़ा खैराती इदारा है। उनके हर रोज़ नोटिस आ जाते हैं कि जी प्लाई फलानी डॉक्यूमेंट दिखाएं और ये डॉक्यूमेंट दिखाएं, जी वो बताएं कि जनाब किसने डोनेशन दी थी आपको। यानी एक ये नहीं देख रहे कि इससे नुकसान किसको हो रहा है, कोई फिक्र नहीं है कि मुल्क को क्या नुकसान होगा। जो इन्होंने केसेस मेरे ऊपर उठाए हुए हैं, ज़रा वो सुन लें। सबसे जो अब जो कौम के सामने, क्योंकि अल्लाह अल हक है, मेरा ईमान है, ईमान ही है, तो मैं ये सारे एक तरफ खड़े हो गए हैं, इस्टेब्लिशमेंट साथ खड़ी हो गई है, अकेला इनका मुकाबला कर रहा हूँ, सिर्फ तौहीद पे, ला इलाहा इल्लल्लाह पे, ईमान अल्लाह पे है। और जिस तरह अल्लाह हर इनकी जो भी कोशिश करते हैं, खुद ही सच सामने आ जाता है। जो इन्होंने मेरे ऊपर अलकादर का केस किया, अब अलकादर का केस क्या था कि इमरान खान ने जो अलकादर यूनिवर्सिटी बनाई है, जिधर मुकम्मल तौर पे मुस्तहक घरों से वो बच्चे जो कि जिनके माँ बाप आला तालीम नहीं अफोर्ड कर सकते, वो सब पढ़ रहे हैं मुफ्त। और मैं बता चुका हूँ, सीरत नबी को हमने बनाया कि फ्यूचर लीडर्स बने, तरबियत हो उनको, और साथ साथ उसके टेक्नोलॉजी भी। ये है उसकी, उसका जो विजन है यूनिवर्सिटी का, उसको सामने ला के बहुत बड़ी स्कैंडल हो गई। और अब पता चला है कि इन्होंने अप्रैल 2020 में तफ्तीश की थी, वो मैं पहले कह चुका हूँ आपको, नेशनल क्राइम एजेंसी इंग्लैंड को राबता था नैब के साथ। ये जो सेटलमेंट हुई थी मलिक रियाज की फैमिली की और एनसीए की, ये सारा कुछ नैब को पता था, और नैब ने अप्रैल 2020 में ये इंक्वायरी बंद कर दी थी। एक दफा इंक्वायरी बंद हो जाए, वो नहीं खोल सकते आप। और इन्होंने जो सबसे बात जो छुपा ली, जिसके ऊपर असल बात होनी चाहिए, कि एनसीए ने मलिक रियाज का जो पैसा था वो फ्रीज किया क्यों? वो मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से नहीं किया। वो उन्होंने कहा कि एक ट्रांजैक्शन हुई, और ये सुने जरा गौर से, कि हसन नवाज ने प्रॉपर्टी बेची मलिक रियाज के बेटे को, और वो जो प्रॉपर्टी बेची वो 50 बिलियन पाउंड की बेची। उन्होंने क्यों, नेशनल क्राइम एजेंसी इंग्लैंड ने क्यों इसके ऊपर एक्शन लिया, और एक्शन क्या लिया, उनके अकाउंट फ्रीज कर दिए, क्यों किए? क्योंकि प्रॉपर्टी की कीमत आधी थी। उन्होंने देखा कि उसकी कीमत आधी थी, यानी वो 25 मिलियन पाउंड के इर्द गिर्द उसकी कीमत थी, 50 मिलियन पाउंड कैसे दे दिया उस प्रॉपर्टी को?
नवाज शरीफ तब प्राइम मिनिस्टर था, ये 2000 जब हुआ, ये 16-17 में जब प्राइम मिनिस्टर था, तो प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त अपना जोर लगा के वो दुगनी कीमत के ऊपर प्रॉपर्टी मलिक रियाज को बेची। ये पहले तो ये बताएं पैसा किधर से आया, किधर से हसन नवाज के पास इतना पैसा आया? जब वो मुल्क से बाहर भागे उनसे ये सवाल पूछे गए ना, क्योंकि बता ही नहीं सकते, पैसा चोरी का था। और फिर वो प्रॉपर्टी दुगनी कीमत पे बेच देते हैं मलिक रियाज को, वो किस लिए बेची? और वो असल कहानी वो है आल कादर की, असल वो उसके ऊपर बात नहीं कर रहे। कोई पूछ नहीं रहा नवाज शरीफ से कि बताएं जी बेटे ने ये प्रॉपर्टी और ये आपको क्यों इतनी महंगी प्रॉपर्टी खरीदी मलिक रियाज ने। और ये भी हो गया कि सारा कुछ पता था नैब को, इनका जो डिप्टी वाइस चेयरमैन है इस वक्त नैब का, वो उस कमेटी मीटिंग में बैठा हुआ था जब ये केस क्लोज किया गया। मुझे 3 घंटे इन्होंने बिठाया सवाल करते हुए, मेरे से पूछा, जब इनको सारे पता था जवाब, क्योंकि वो डिप्टी चेयरमैन को भी पता था, प्रोसिक्यूटर जनरल को भी पता था। उस वक्त जो डायरेक्टर थे नैब के पिंडी में, मंगी साहब, वो भी बैठे हुए थे उस मीटिंग पे। तो इनको तो, इनके पास तो मिनट्स पड़े हुए उसके। तो फिर ये क्यों मेरे ऊपर सारा कुछ किया, और ये जो मेरा वारंट निकाले और मुझे अरेस्ट किया। और दूसरी ये जो तोशाखाना, ये तोशाखाना एक आम केस नहीं चल रहा है, ये ऐसे मिलिट्री ट्रायल चल रही है, यानी कि एक फेयर ट्रायल का मुझे मौका ही नहीं दिया जा रहा। खैर वो उसके ऊपर फिर से मैं सब जुड़े से ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन ये मैं कहूँगा कि मेरे से वो सवाल पूछे जा रहे हैं जो आज पाकिस्तान की तारीख 70 साल तारीख में कभी किसी से, जिनको भी कितनी गिफ्ट्स मिली हैं तोशाखाना में, 70 साल से मिलती हैं गिफ्ट, कोई नई तो चीज़ नहीं है, कभी किसी से वो सवाल नहीं पूछा कि जी आपको जो तोशाखाना की गिफ्ट मिली थी वो आपने आगे बेची किसको, या आपने गिफ्ट किसको की? कभी किसी से आज तक ये पूछा है? कभी किसी से पूछा है कि तोशाखाना जब आप कीमत अदा करके वो ले लेते हैं गिफ्ट, उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी आप जो मर्जी करें? भी आप कौन है पूछने वाला है कि मेरी प्रॉपर्टी से मैं अच्छा गिफ्ट करूं या मैं बेचूं? जब तक कि जो भी मेरा चीज हो वो मैं डिक्लेयर करूं, तो मेरा सारा डिक्लेयर्ड है मेरे टैक्स रिटर्न्स में। तो वो सवाल पूछे जा रहे हैं आज, वो वजह इसकी है इनको मिल कुछ नहीं रहा। ये 3.5 साल में जितना मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, इनको ये 2 चीज़ें मिली हैं, इसको करप्शन कह रहे हैं, ये जो तोशाखाना है और दूसरा चीज़ अल कादर, ये 2 करप्शन के केसेस मेरे पे मिले हैं इन 3.5 साल में। जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बना था, 17 इसने फैक्ट्रियां बना चुका था 3.5 सालों में, और सरकारी बैंकों से कर्जे लेता था, फैक्ट्रियां बना लेता था, और बाद में वो कर्जे माफ़ करवा लिए, और जो पैसा दिया वो 20 साल के बाद वापस, जो थोड़ा सा और मार्कअप माफ़ करवा के वो भी थोड़ा सा पैसा दिया। उनसे कभी पूछा? जरदारी इस टाइम के अंदर मिस्टर 2 साल में उसको मिस्टर 10% सारी दुनिया कहना शुरू कर दी थी कि हर चीज़ पे कमीशन कमाता था। तो ये 2 चीज़ें मिली हैं 3.5 साल में, और इंशाल्लाह ये मैं साबित करूँगा जब केस आगे बढ़ेगा, लेकिन मौका देना चाहिए मुझे पूरी तरह जवाब देने का। दूसरी चीज़ जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ वो है कि ये जो साइफर के अंदर, और साइफर के अंदर मैं फिर से वाजे कर दूँ कि बड़े क्लियर कानून बना हुआ है। साइफर होती है फॉरेन ऑफिस के अंदर, जो सीक्रेट कोड वो फॉरेन ऑफिस पे रहती है, ये इंस्ट्रक्शंस हैं कैबिनेट डिविजन्स के, इसके अंदर कोई और किसी के पास वो जो कोड वाला साइफर है वो नहीं जा सकता। और जो मेरे पास आया था वो मैं, मुझे फिर से बुलाया, बड़ा अच्छा है, FIR के सामने फिर पेश होऊंगा, लेकिन जो मेरा, मुझे कहते हैं कि आपने वो जो साइफर के अंदर चीज़ लिखी हुई थी वो पब्लिक कर दी, वो पब्लिक तब हुई जब मैंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सामने रखा, जो कि मुल्क का सिक्योरिटी का सबसे बड़ा इदारा है, उस इदारे के अंदर पहले रखा, उस इदारे ने वो साइफर को देखा जो उसके अंदर लिखा हुआ था, वो नहीं जो कोड है जो उसका मफहूम था, और उस इदारे ने फैसला किया कि अमेरिका को डिमार्श करनी चाहिए कि उन्होंने हमारे अंदरूनी हालात में मुदाखलत की है।
ये जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कह दिया, फिर सबको पता चल गया कि क्यों कहा है, क्योंकि वहाँ से एक उनके ऑफिशियल ने कहा कि जनाब इमरान खान को जब तक आप हटाएंगे नहीं नो कॉन्फिडेंस में तो पाकिस्तान के ऊपर बड़ी मुश्किलात होगी। तो ये था उसका, तो ये सबको पता चल गया। उसके बाद तो इसमें क्या सीक्रेट रह गई, फिर कौन सी सीक्रेट मैंने वायलेट की, तो ये भी इंशाल्लाह आ जाएगा सामने। लेकिन एक चीज़ है कि वो जो सीक्रेट को जो थी वो याद रखें, उसमें गवर्नमेंट बदली गई, ये साजिश हुई थी मेरे खिलाफ नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ। और जो वो गवर्नमेंट बदली गई, मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि उसके बाद हुआ क्या। आज पाकिस्तानियों को किस चीज़ से गुजरना पड़ रहा है। 16 रुपये यूनिट बिजली थी जब हम गए अप्रैल के अंदर, आज बिजली 50 रुपये यूनिट पे पहुंच गई है। आप ज़रा पूछें तनख्वाहदार लोगों से कि उनके ऊपर आज क्या गुजर रही है, ये कौन जिम्मेदार है इसका। वो जिन्होंने साजिश करके गवर्नमेंट गिराई थी, और असल इंक्वायरी ये होनी चाहिए, जो मैंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहा था आपको इंक्वायरी करनी चाहिए कि ये कौम से बहुत बड़ी साजिश हुई है, कौम से धोखा हुआ है, और इसका जिम्मेदार जनरल बाजवा था। और इसलिए क्योंकि वो था, किसी ने जरूरत नहीं पड़ी किसी की इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने की। आटा 55-60 रुपये से पहुंचा है आज केजी 150 रुपये पे। सोचें कि ये आम आदमी की खुराक है आटा। उसके बाद चावल दुगनी कीमत होगी जो चावल थे। चीनी, हमारे दौर में बड़ा शोर मचा चीनी चोर, हमने इंक्वायरी करवाई, चीनी की कीमत 80 रुपये थी, आज चीनी 160 रुपये पे पहुंच गई है। सारे जो बड़े बड़े शुगर मिल माफिया वो सारे बैठे हुए हैं आज गवर्नमेंट के अंदर। और फिर दूध, ये दूध बड़ा ज़रूरी है क्योंकि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, 150 रुपये लीटर से गया 230 रुपये लीटर पे। और दाल जो आम आदमी खाता है 310 रुपये से 520 रुपये पे गई है, 310 रुपये केजी से 520 रुपये केजी पे दाल गई है। ये आम लोगों के खाने की चीज़ें हैं। ये ज़रा बताएं कि कौन जिम्मेदार है जिसने ये जो सारी साजिश हुई थी। और इंशाल्लाह जब भी इंक्वायरी होगी साबित होगा कि बहुत बड़ी एक चलती हुई हुकूमत को मुश्किल वक्त से जो पाकिस्तान को निकालती गई उसको गिरा के तो ये हुआ। मैं आखिर में दो सिर्फ चीज़ें कहना चाहता हूँ। एक तो मेरा पैगाम है, ये जो पुलिस वाले, ये जो नामालूम अफराद आम प्लेन कपड़ों के अंदर घुस जाते हैं लोगों के घरों में, सारा घर तोड़ते हैं, चोरी कर लेते हैं, जो तशद्दुद करते हैं लोगों पे, जो जुल्म करते हैं, टॉर्चर करते हैं लोगों को जेलों के अंदर, जिन्होंने सोशल मीडिया के बच्चों को सिर्फ ट्वीट्स के ऊपर उठा लिया और उनको तशद्दुद करके वापस भेजा, जो सहाफ़ियों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, इमरान रियाज जो अभी तक गायब है, पता नहीं कि किधर वो गया हुआ है, अदालतों भी बेबस हो गई हैं, अदालतों के पास भी वो भी हाथ खड़े कर दिए कि जी वो प्रोड्यूस करो। एक सहाफ़ी सिर्फ इसलिए, उसने तो कोई तोड़ फोड़ नहीं की थी, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो जुल्म के सामने सच बोल रहा था, उसको उठा लिया। 4 पाकिस्तान के टॉप सहाफ़ी मुल्क से बाहर गए हुए, मुल्क छोड़ के चले गए, क्योंकि वो सच नहीं बोल सकते थे। और उनके ऊपर यही किस्म का, जो इमरान को पहले इसके ऊपर तशद्दुद किया, फिर जो अब उसको गायब किया हुआ है, खौफ फैलाया हुआ है, बाकी सारा मीडिया कंट्रोल में है। सिर्फ वो तब बोल सकते हैं अगर इमरान खान की कोई बुराई हो, प्रोपेगेंडा वो बोल सकते हैं, वो कोई सच नहीं बोल सकता आज। और मुझे अफसोस ये है कि उनमें से जो हम बड़े बड़े नाम समझते थे कि वो सहाफ के लिए इनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं, वो भी आज घुटने टेक के सामने बैठे हुए हैं। लेकिन मुझे अफसोस और है ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस पे, मुझे अफसोस है जो कहती हैं हम औरतों के लिए एनजीओस बने हुए हैं, हम औरतों के लिए हकूक के लिए खड़े हैं। ये वाहिद पार्टी है पाकिस्तान की तारीख में जिसने पहली दफ़ा ख्वातीन को पॉलिटिक्स में लेके आई, उन्होंने शिरकत करनी शुरू की, जलसों के अंदर औरतें आईं, फैमिलीज आईं, ये पहली दफ़ा हुआ हमारे मुल्क में। ये खुशाइन चीज़ है कि मुल्क की जितनी बड़ी पार्टिसिपेशन होगी पॉलिटिक्स के अंदर, उतना बेहतर वो इत्तेसाब करेंगे हुक्मरानों का। जितनी ज़्यादा बड़ी टर्नआउट होगी उसका मतलब कि आवाम नज़र रख रही है हुक्मरानों के ऊपर। तो असल तो डेमोक्रेसी का मतलब ही ये है
कि अवाम एहतसाब करती है, जो हुकूमत करते हैं वो देखती हैं उनका, तो अवाम तो आज पहली दफ़ा निकल रही है, इस तरह टर्न आउट हो रहा है, औरतें निकल रही हैं और उन औरतों के ऊपर जान के ये तशद्दुद किया जा रहा है बाकी औरतों को डराने के लिए कि वो ना घरों से निकले, कि वो चुप करके सहम के बैठ जाए। तो किधर गई ये ह्यूमन राइट्स जो औरतों को रिप्रेजेंट करती थी, किधर हैं वो औरतें, क्यों नहीं बोल रही कि जो जुल्म हो रहा है इन औरतों के ऊपर। वो बेचारी सनम और तैयबा, वो तो तहरीक इंसाफ में उनका कोई ओहदा नहीं है, उनको जेलों में डाला हुआ है। वो सनम के खामद आया, उसको पकड़ के ले गए, अब उनका घर में बच्चा है, वो क्या करेगा, दोनों को पकड़ के ले गए। उमर चीमा, उसकी बीवी, मैं फिर से कहता हूँ वो कैंसर की सफरर है, कैंसर की से, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया सिर्फ और सिर्फ दहशत फैलाने के लिए कि औरतें घरों से ना निकले। और फिर से कि ना यहाँ बोल रही है ना बाहर, बड़ी फिक्र है अफगानिस्तान की औरतों की, बहुत फिक्र है। और है ठीक है कि स्कूलों में सबसे ज़्यादा मुल्क की बेहतरी होती है जब औरतें पढ़ी लिखी होती हैं, और पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पर जब आपकी आबादी तेज़ी से बढ़ रही हो तो उसको रोकता ही है कि पढ़ी लिखी, जब आपकी बच्चियाँ पढ़ी लिखी होती हैं, औरतें पढ़ी लिखी होती हैं। लेकिन क्यों फिक्र नहीं है कि ये पाकिस्तान की औरतों से क्या हो रहा है। तो एक तो ये है, मैं आखिर में सिर्फ ये कहना चाहता था कि जो मर्ज़ी आप कर लें, ये आप जो सब कुछ कर रहे हैं, ये जो सारा दहशत फैलाई हुई है और लोगों को जेलों में डाला हुआ है और घरों में ये तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ये आज मेरा दिन याद रख लें, जब भी इलेक्शन होगा आप तहरीक इंसाफ को रोक ही नहीं सकते, क्योंकि आप लोग अगर सहम भी गए ना, दिलों के अंदर उन जो फैसले और जेलों में कर बैठे हैं, वो इससे नहीं पीछे हटने लगे। जब एक आबादी एक तरफ आके खड़ी हो जाती है, कौम खड़ी हो जाती है, कोई दुनिया की पावर उसको रोक नहीं सकती। ये सिर्फ आर्जी तौर पे आप थोड़ी देर लोगों को सहम जाएंगे, डर जाएंगे। मैं चैलेंज करता हूं कि जब भी इलेक्शन होंगे, आप डिले भी कर दें, अभी डरे हुए हैं कि जी अभी ना करो इलेक्शन, आप अगले मार्च कर दें, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि तहरीक इंसाफ स्वीप करेगी इलेक्शन इंशाल्लाह, मुझे जेल में डाल दें, डिस्क्वालीफाई कर दें, जीतना तहरीक इंसाफ ने, क्योंकि कौम फैसला कर बैठी है। और ये जितने आप हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, आप तहरीक इंसाफ का वोट बैंक और बढ़ता जा रहा है। लोग बेवकूफ तो नहीं है, कौम तो देख रही है क्या हो रहा है, और कौम के अंदर गुस्सा है। एक माशी तौर पे उनका कत्ल कर दिया है, एक महंगाई उनको ले बैठी है, एक ये 30 साल से वो शक्लें देख रही हैं जो मुल्क को लूट के पैसा बाहर उनका पड़ा हुआ है, और फिर उनके ऊपर खौफ तारी किया हुआ है कि जनाब हम आप मायूसी फैलाई हुई है कि तहरीक इंसाफ जीत नहीं सकती, इमरान खान के ऊपर कांटा मारा हुआ है। कांटा सिर्फ अवाम किसी के ऊपर मारती है, और कोई भी इंशाल्लाह जब भी इलेक्शन होगा, कोई भी जब अवाम की राय तय कर लेती है, फैसला कर लेती है अवाम, आज तक दुनिया की तारीख में अवाम के ख़िलाफ़ कोई नहीं जीता। पाकिस्तान जिंदाबाद।